तो कैसे हैं आप लोग? ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा और संजीत भाई आपका पोर्ट्रेट आप करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखो, तो मिलते हैं एंड में। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। वे ठीक कहते हैं। एक बार दो व्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गए, एक धार्मिक गुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला था। धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लालची, बेईमान और व्यभिचारी नहीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं। सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूं, आमदनी का दसवां अंश आपको देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाए बिना अपनी छाती पीट पीट कर ये कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, धार्मिक गुरु नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा और अपने घर गया। जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा मानेगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओगे। प्रभु को खोजो जब तक वो मिल सके, उन्हें पुकारो जबकि वो पास है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आए और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान देंगे। तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, तुम रोगे और विलाप करोगे। अफसोस जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए यही किया। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं, शत्रुओं से प्रेम रखो, घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीष क्यों कर मिलेगी? पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। और यदि स्वयं पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यों कर आशीष पाओगे? पापी भी ऐसा ही करते हैं। आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, ऐसा करने पर दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखते हो जबकि अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देख पाते? मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पा लें। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं पर जड़ नहीं पकड़ पाते। वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते। झाड़ियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह व भोग विलास में फंसने से उनके फल कभी नहीं पाते। वे बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक उन्हें संभाले रखते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देगा या पानी मांगने पर उसे जहर देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे,
और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर। पक्षियों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं और ना ही उनके कोई भंडार है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो, तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाकी चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं, वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वह तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेते। ऐ मेरे लोगों, भयभीत ना हो, परम पिता की यह इच्छा है कि तुम्हें राज्य दे। अपना सब कुछ बेचकर पैसा गरीबों को दान कर और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां वो घटता नहीं, क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच सकता, न ही कीड़ा उसे नष्ट कर सकता है। जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा। तुम आज्ञाएं तो जानते हो, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, किसी पर झूठे आरोप न लगाना, अपने माता पिता का आदर करना। तुम्हारे लिए भी एक काम करना आवश्यक है, अपना सब कुछ बेचकर धन गरीबों को बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर मेरे पीछे हो, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कितना कठिन। धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मुश्किल है, जबकि ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो ये यहां है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। वो समय आएगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे पर देख ना पाओगे। जैसे बिजली आकाश की एक ओर से दूसरी ओर तक प्रज्वलित होती है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख उठाना होगा और इस युग के लोग उसका तिरस्कार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।